हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी नेहा, राजस्थानी रसोई विद नेहा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड गरम मसाला। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऐसे हमारे नई नई वीडियो और रेसिपीज देखने के लिए। तो आइए हम बनाते हैं होममेड गरम मसाला। पर हम मसाले देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिए है दालचीनी 20 ग्राम और 15 से 16 तेज़पात के पत्ते, और हमने लिए 20 ग्राम लौंग, और यहाँ पर हमने 20 ग्राम चक्री फूल लिए हैं, और 20 ग्राम हरी इलायची, और 40 ग्राम काली मिर्च, और 15 ग्राम ने जावित्री ली है, और 10 ग्राम बड़ी इलायची, और 150 ग्राम जीरा, और 200 ग्राम हमने यहाँ पे धनिया लिया है, और 2 जायफल लिए हैं। तो हमने ये सब सामान लिया है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर जीरे को रोस्ट कर लेते हैं। हमें तेल या घी कुछ नहीं डालना है, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम रखना है, और इसको हमें बराबर चलाते रहना है, नहीं तो हमारा जीरा जल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको जीरे को रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जीरे को अच्छे से भूंज लिया है, रोस्ट कर लिया है, तो हम इसे निकाल लेंगे, और अब हम इसी में धनिया को भी रोस्ट कर लेंगे। हमें इसी तरीके से बराबर चलाते रहना है। तो यहाँ पर हमने धनिया को भी रोस्ट कर लिया है, तो हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम डालेंगे जो हमने साबुत खड़े मसाले लिए थे, उन सभी मसालों को हम एक बार हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे इसमें अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। तो यहाँ पर हमें 5 से 7 मिनट हो गए भूजते भूजते, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने जो जायफल लिए थे उनको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है, जैसे मिक्सी में पीसने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हमने डाली है पॉट में मसाले, और हम डालेंगे इसमें धनिया, और अब हम डालेंगे इसमें भुंजा हुआ जीरा, और सभी मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें जायफल, और हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फाइन पाउडर बना लिया है, तो अब इसे हम एक बार छान लेते हैं स्ट्रेनर रख के। तो हमने इस तरीके से मसाले को निकाल लेना है और इसको छान लेना है। इसको हमने छान लिया है, कुछ भी नहीं निकला है, और हमारा होममेड गरम मसाला बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो इसको हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे, जिससे इसका स्मेल नहीं निकले, और ऐसे ही आप बना के रख लीजिए, जिससे सब्जियों में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जियों में। तो हमारा होममेड गरम मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे हमारे अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइकिंग करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को।